बिसमिलीम असलकुम ग्यारह नयाब घरेलू टोटके गला ख़राब हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें दिन में दो दफ़ा और तीन दिन तक ये अमल करें तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा इससे अच्छी दवाई गले के लिए और नहीं है पेट में दर्द हो तो पुदीने को रगड़कर पानी में हल करके पी लें तो पेट का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा सर में खुश्की हो तो दही में सरसों का तेल डालकर रोज़ाना पाँच दिन तक लगाएं सर को ठंडे पानी से धो लिया करें इससे आपके सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी अगर नींद ना आती हो तो कद्दू को दो हिस्सों में काट कर उसकी पाँव पर मालिश करें आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और पाँव में पसीना आना भी ख़त्म हो जाएगा अगर कमर में दर्द हो तो खशखाश और मिश्री को ग्राइंड कर लें दो चाय के चम्मच रोजाना एक गिलास दूध के साथ नोश करें आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा नजला और जुकाम रोकने के लिए संतरे का एक पाव रस लेकर उसको नरम आंच पर तीन मिनट तक पकाएं, फिर उसमें चार माशा बनफशा डालकर आग से फौरन उतार लें पाँच मिनट तक इसको बंद रखें फिर इसको छान कर सुबह दोपहर और शाम दिन में तीन मरतबा पिए दांत का दर्द ख़त्म करने के लिए अर्के वनीला के तीन कतरे मुतासर दांत पर टपका लें दस मिनट के बाद कुल्ली कर लें एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही दांत का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा हैज़े का देसी इलाज प्याज का पानी दस चम्मच काली मिर्च के दस दाने कूट कर प्याज के पानी में मिक्स करके वक्फे वक्फे से मरीज़ को पिलाते रहें हैज़े से निजात हासिल हो जाएगी बाज़ दफ़ा खांसी ऐसी लग जाती है हटने का नाम ही नहीं लेती बंदा किसी से मिल भी नहीं सकता खांसी में बहुत दुश्वारी होती है तो खांसी से छुटकारा हासिल करने के लिए दो सेब के छिलकों को डेढ़ कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए फिर इसमें एक चम्मच शहद मिक्स करके पी लें इतना गर्म हो कि पिया जा सके ये तीन दिन तक पीना है खांसी का नामो निशान मिट जाएगा प्रोस्टेस्ट यानी पेशाब के रास्ते में गूद का भर जाना इसके इलाज के लिए यह देसी टोटका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह इस बीमारी से अफ़ाका होगा रात को एक कप दूध में दो खजूरें डालकर पिएं और खजूरें खा लें इससे प्रोस्टेस्ट से निजात हासिल हो जाएगी अगर हाथ पाँव सुन्न हो जाए तो रोज़ाना एक पानी में आधे नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं और ये अमल 40 दिन तक जारी रखें तो इंशाल्लाह आपके हाथ पाँव ठीक हो जाएंगे।